MIUI 8 in 2021 क्या यूज करना बेटर है और क्या ये हमारे MIUI 12.5 या 12 जो अभी लेटेस्ट रन कर रहा है उसे बीट कर सकता है परफॉर्मेंस में। मैं कुछ ऐसी फैक्ट्स बताऊंगा और इन दोनों के बीच के डिफरेंस बताऊंगा जिसे आप देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे, क्योंकि MIUI 8 काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर है अगर अभी भी इसे यूज किया जाए तो, और ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा हमारे MIUI 12 के कंपैरिजन में। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ MIUI 8 और MIUI 12 के बारे में, और आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार ज़रूर सोचोगे कि काश हमारे डिवाइस के लिए भी ये MIUI 8 होता ताकि हम इसे यूज कर पाते। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको इस MIUI 8 के बारे में देने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है और ऐसा क्या खास था इस OS के अंदर जो कि हमें MIUI 12 के अंदर आज के टाइम में देखने को नहीं मिलता है। बस उसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, और वीडियो पसंद आए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे आप सेट जरूर कर लेना ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ आप एक टेलीग्राम यूजर्स हो तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी ले सकते हो। का टाइम है एंड्रॉयड 11 प्लस MIUI 12.5 का, लेकिन मैं अभी फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो है मेरे पास MIUI 8, वो भी एंड्रॉयड 6 के साथ। जी हाँ, काफ़ी कमाल की बात है ना, कहाँ एंड्रॉयड 11 और कहाँ हमारा एंड्रॉयड 6। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे नोटिस की है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने मॉर्निंग में इसे फ्लैश किया है, सोचा कि चलो कुछ ओल्ड OS को ट्राई किया जाए, तो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है जो कि हमारे MIUI 12 और 12.5 जो 13 आएगा उसमें शायद ही कभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंट में कुछ इस तरीके से डॉट्स देखने को मिलते हैं जो भी रिसेंट टैब है, और इसे हम अपने मर्जी के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जिस तरीके से इसी टाइप से इंस्पायर एक फीचर हमें मिलता है ब्लर ऐप प्रीव्यू का, जिसकी हेल्प से हम किसी भी रिसेंट को ब्लर कर सकते हैं ताकि किसी को भी वो नज़र ना आए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कैमरे के साथ अगर हम गैलरी वगैरह को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ब्लर का इफेक्ट दिखाई देता है MIUI 12 पे, जो कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये तो भाई हमें MIUI 8 में पहले ही मिलता था, अगर हम चाहते हैं कोई भी चीज़ हमारे रिसेंट का नहीं देखे तो नॉर्मल आइकन कर ले, किसी को नज़र ही नहीं आएगा, और इस तरीके से आप इसे भी ऑन कर सकते हो ताकि सब कुछ नज़र भी आए। तो ये टब भाई काफ़ी टाइम पहले हमें मिला हुआ था, बस इसका जो लुक है ना उसे बदल दिया गया है। साथ ही साथ पहले हमें उतना इशू देखने को नहीं मिलता था चाइना ऐप बैन वगैरह का, तो हमें बिल्कुल ही सिंपल सा लाइट वेट का एक सिक्योरिटी ऐप देखने को मिलता था जहाँ पे सारे फीचर्स है और बिल्कुल ही स्मूथली ये काम भी करता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी का जो बैकअप है, चार्जिंग स्पीड है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और जो रोम का रिस्पॉन्स है इस OS का ये काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर है। जैसे कि आप देख सकते हो टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया। लेकिन आज के अगर हम MIUI 12 की बात करें तभी मैं फिलहाल इस पर भी ऑफिशियल ही यूज कर रहा हूँ और ये भी ऑफिशियल है, तो इस पर अगर मैं टैप करूँ किसी भी ऐप के ऊपर तो कुछ थोड़ा सा टाइम लगाता है। आप देख सकते हो किस तरीके से आपको हल्का सा यहाँ पे फ्लिकरिंग इफेक्ट दिखाई देगा ऐप्स के ऊपर, उसके बाद ये ओपन होता है। तो यहाँ पे ये जितना भी अपडेट आ रहा है MIUI 12.5 का, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन का यूज किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा हैवी बनाया जा रहा है, यानी पहले के जितने भी स्मॉल हार्डवेयर लो हार्डवेयर वाला डिवाइसेज है उनके ऊपर अगर 12.5 या 12 डाल दिया जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा। जैसा कि रेडमी का 7A 6A वगैरह जो A सीरीज के डिवाइसेज है उनमें काफ़ी ज़्यादा लैग नज़र आता है 2GB 3GB और 4GB रैम होने के बाद भी, क्योंकि उनका हार्डवेयर कैपेबल नहीं है 12.5 के इतने हैवी OS को रन कर पाना। जबकि यहाँ पे जो हमारा MIUI 8 है ये इतना ज़्यादा लाइट है कि ये 12GB और 1GB पे भी काम करता था काफ़ी अच्छे तरीके से, और इतना सुपर फास्ट है क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जब OS का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगा, तो एनिमेशन देने की ज़रूरत ही क्या है। जब OS काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाए और उसे ओपन होने में या कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में थोड़ा सा टाइम लगे तो उस टाइम पीरियड को छिपाने के लिए एनिमेशन यूज किया जाता है, जो कि हमें इस 12.5 में या 12 में देखने को मिलता है। जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हो, मैं अभी ऑफिशियल रोम ही यूज कर रहा हूँ हमारे रेडमी के नोट 7 एस के अंदर जो कि 4G वाला वेरिएंट है। इसमें जब भी मैं कोई फोल्डर को टैप करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये जो टाइमिंग है और यहाँ पे टैप करने का जो ब्लैक बार देखने को मिलता है ये सब इसका एनिमेशन है। क्यों? क्योंकि जो इसके टाइमिंग है ओपन होने का, रिस्पॉन्स करने का, वो पता ना चल पाए, एनिमेशन की वजह से छिप जाए और दिखाई ना दे। ये है हमारा हैवी OS, और ये हमारा लाइट वेट का OS जो कि बिल्कुल ही हल्का फुल्का है, बस टैप किया और ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया, इतना फास्ट और बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है
जो कि शायद ही हमें आने वाले MIUI के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो भाई पॉसिबल है नहीं। जब भी कोई MIUI का अपडेट आता है तो OS को और ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा भाई भारी भरकम बनाया जाता है, और ये जब भी पॉसिबल होगा जब हमारा OS क्लोज टू स्टॉक चला जाएगा। जैसे कि हमारा ये MIUI 8 है, क्लोज टू स्टॉक नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स और काफ़ी लाइट देखने को मिल जाता है, और इसके बैटरी का भाई काफ़ी कमाल का है। और यहाँ पे मैंने Antutu को भी रन किया है जो कि 95967 का आया, और जब हम Android 10 का MIUI 12 इस पर डालते हैं कस्टम रोम या पोर्ट रोम, तब जाके हमें बूस्टेड के लिए कई सारे कर्नेल वगैरह यूज करने पड़ते हैं ताकि हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट हो सके और हम उसे अच्छे से यूज कर पाएँ। बट ये इतना पुराना रोम है और भाई ओल्ड एंड्रॉयड OS है, फिर भी यहाँ पे विदाउट किसी कर्नेल वगैरह को चेंज किए हुए, विदाउट कोई छेड़छाड़ के इतना अच्छा खासा Antutu का स्कोर दिखाई दे रहा है। और ये जो स्कोर है ना, ये सिर्फ वही यूज समझ पाएंगे जो कि Redmi के Note 4 डिवाइस के यूजर्स है, क्योंकि अलग अलग डिवाइसेज में अलग अलग स्कोर देखने को मिलता है। बट अगर आप मेरे किसी Redmi के Note 4 के MIUI 12 के वीडियो से कंपेयर करो तो वहाँ पे मैंने अक्सर आपको 95, 98, 90 का दिखाया है, जिसमें मैंने अक्सर कर्नेल चेंज करने का जिक्र किया है, तब जाके परफॉर्मेंस बूस्ट होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग नज़र आता है। बट इसकी बात करें तो भाई ये सुपर डुपर और काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्सिव है। यहीं पे अगर इसके बूट एनिमेशन की बात करें और साथ ही साथ स्टार्टअप की, तो ये मेरे पास है Redmi का Note 7S जो कि अलग और लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ आता है, और ये मेरे पास Redmi का Note 4 जो कि MIUI 8 के साथ वो भी ओल्ड हार्डवेयर के साथ आता है। दोनों को अगर एक साथ रिबूट करें तो आप सामने देख पाओगे कि कितनी जल्दी कौन बूट कर पाता है। तो 1, 2 एंड 3, तो देखते हैं कौन पहले ऑन हो पाता है, MIUI 8 या फिर MIUI का हमारा 12। आप लोग कुछ लोग कमेंट करने वाले हो कि भाई ये कहाँ ओल्ड फ़ोन और ये कहाँ लेटेस्ट फ़ोन, ये कहाँ ये तो वो कहाँ, हार्डवेयर वगैरह काफ़ी डिफरेंट है, तो कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको बिलीव नहीं है, तो अगर आप पर्सनल यूज करोगे MIUI 8 साथ साथ MIUI 12, तो आपको पता चले कौन कितना हैवी है और कौन कितना ज़्यादा लाइट वेट है। एनिमेशन का फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यहाँ पे लिया गया है ताकि जो हमें लैग या जो टाइमिंग देखने को मिलता है किसी भी ऐप का रिस्पॉन्स में वो छिप जाए। अभी फिलहाल यहाँ पे MIUI 12 का लोगो पहले आ चुका है बूट एनिमेशन का, जबकि यहाँ पे डॉट काफ़ी लेट से आया है, बट देखते हैं कि ऑन स्क्रीन किसका पहले आता है। आप देख सकते हो तो ये आ चुका है और अब जाके ये करीब 3 सेकेंड लेट हमें देखने को मिलता है। तो भाई इतना ओल्ड होने के बाद भी ये अपना जो स्टार्टअप टाइमिंग है उसमें भी काफ़ी आगे निकल जाता है। और ये जो लॉक स्क्रीन हमें देखने को मिल रहा है, इस पर आप देख सकते हो टैप का एनिमेशन है, जो कि कुछ टाइम पहले मैंने रिव्यू में आपको बताया था कि अनलॉकिंग का एनिमेशन ऐड किया गया है, जो कि एंड्रॉयड 11 के डिवाइसेज पे नज़र आता है, ना कि 10 वाले पे, जबकि ये भाई मार्स मिलो पे भी हमें देखने को मिल गया था। और साथ साथ यहाँ पे जो सिस्टम के ट्यून्स है, साउंड्स वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा स्वीट हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आइकन के फिनिशिंग है काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आइकन का फिनिशिंग थोड़ा सा मुझे कहूँगा अगर 8 के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर सेटिंग का लेआउट भी चेक करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइट टाइप का और काफ़ी फिनिश देखने को मिलता है, जबकि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब टाइप का देखने को दिखाई देता है अगर कंपेयर करें तो। बट आप डायरेक्ट अगर MIUI 12 पे स्विच करते हो, इसे यूज करते हो, तो आपको रियली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आपने सबसे पहले यही देखा है, इसके पहले वाले OS को आपने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन अगर साइड बाई साइड कंपेरिजन करें और यूज करें तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या फ़र्क है। इसका हमारा कंट्रोल सेंटर जो कि अभी मैंने ओल्ड टाइप का ही कर रखा है, और इसके इसमें भी आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा आपको लाइट देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस है इसके अंदर, जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी ये फील होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंज किए गए हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है हमें MIUI 12 में काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है, लेकिन वहीं पर परफॉर्मेंस, ऐप्स ऑप्टिमाइजेशन, ऐप्स रिस्पॉन्स वगैरह की बात करें ना, तो हमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट हमारे MIUI 8 और MIUI 9 के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या हम इसे अपने लेटेस्ट डिवाइसेज के अंदर फ्लैश कर सकते हैं MIUI 8 को, तो जी नहीं, क्योंकि अभी जितने भी डिवाइस लॉन्च होते हैं सब या तो MIUI 11 पे लॉन्च होते हैं या MIUI 12 पे लॉन्च होते हैं, Android 10 के ऊपर लॉन्च होते हैं या फिर Android 11 के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं, जबकि ये काफ़ी पुराना ओल्ड डिवाइस है जिसका MIUI हमें आई थिंक 8 पे देखने को मिला था और साथ साथ Android 6 के ऊपर आया था। तो जो डिवाइस जिससे लॉन्च होता है जिस OS पे, उससे पहले वाला OS उसके लिए अवेलेबल ही नहीं होता है, तो आप कैसे डाउनग्रेड कर सकते हो। ये हमारा जो Redmi का Note 7S है, ये हमारा लॉन्च हुआ था आई थिंक MIUI के 10 पे, तो इसका लास्ट अगर हम बैक करें तो 10 पे जा सकते हैं, जबकि आगे जो भी अपडेट आएगा वो तो हम स्विच कर ही सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसका MIUI 8 है और फ्लैश करने के बारे में, तो मैं एक आई बटन में वीडियो दे दूंगा फास्ट
बूट मेथड, उसे फॉलोअप करके आप डाउनग्रेड करके MIUI 8 का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन यहीं पे एक छोटी सी नज़र डालते हैं हमारे प्राइवेसी प्रोटेक्शन के ऊपर। तो भाई ये MIUI 8 काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके अपडेट तो आ रहे हैं और कई सारे डिवाइस के लिए बंद भी हो गए हैं। तो पीछे जाने के बाद अगर आपको लगता है कि प्राइवेसी मेरी काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ जाएगी, तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकता है प्राइवेसी को लेके, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड ओएस है, तो इसका जो सिक्योरिटी पैचेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड रहेगा। तो सिक्योरिटी के मामले में थोड़ी सी आपको कमी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बट आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है ही नहीं जिसकी आपको कुछ खास परवाह हो, तो आप इसे बार जरूर ट्राई करो अगर आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल है तो। और नहीं है तो भाई आप यहाँ पे MIUI 12 ही यूज करो, काफ़ी मज़े करो। लेकिन अगर आपका हार्डवेयर लो है यानी नॉर्मल है, जैसे कि नोट सीरीज है या ए सीरीज है, तो भाई जब भी इसका अपडेट आएगा, जब भी आपको हल्का सा स्लो फील होगा और बैटरी बैकअप में भी आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगा। आपका क्या है ओपिनियन जो कुछ भी मैंने बताया उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो कुछ भी मैंने यहाँ पे बताया है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो भाई, मैं फ्री रहूँगा तो आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन आप चाहो भाई लाइव चैटिंग हो जाए तो वो तो सम टाइम ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि एवरी टाइम मैं फ्री नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एड्स वगैरह नहीं है, कोई भी ऐप वैलेट वगैरह भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे ऐप वैलेट वगैरह है और इतने सारे एड्स वगैरह भर दिए गए हैं जो कि यहाँ पे हमें नज़र नहीं आता है। तो ये था छोटा सा वीडियो इस MIUI 8 के बारे में कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। आपका क्या था ओपिनियन और क्या रहेगा, आप क्या सोचते हो MIUI 8 के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। लुक वाइज फीचर्स वाइज रियलमी में काफ़ी बेटर हो चुका है MIUI 12, लेकिन वहीं पे परफॉर्मेंस भाई दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, और इस पर काम करना चाहिए MIUI की टीम को ताकि ये लाइट हो सके और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सके।